25 छक्के 37 चौके और 439 रन वानखेड़े में आया बल्लेबाजों का तूफान, रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज। पहले रोहित शर्मा और ईशांत ने की शुरुआत, बाद में आए रोमियो सिफर्ट ने तोड़ दिया रिंकू सिंह का रिकॉर्ड। पृथ्वी शॉ और स्टब्स ने रोक दी नीता अंबानी की सांसें, पंत की एक गलती से जीतते जीतते रह गई दिल्ली। वानखेड़े का मैदान था नीला समंदर जैसा नजर आ रहा था, मतलब हर तरफ मुंबई इंडियंस के समर्थक थे। लगा था कि आज मुकाबला बहुत खास होगा और हुआ भी वही। 12,000 से ज्यादा बच्चे आए थे जो मुंबई इंडियंस का सपोर्ट कर रहे थे। नीता अंबानी भी पूजा पाठ करके पहुंची थी। वहीं सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा के बाद खुद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और आज जीतने के लिए जोरों आजमाइश कर रहे थे। शुरुआत की थी रोहित शर्मा और ईशान किशन ने, जबरदस्त पारी का आगाज किया और दे चौके लगाए और उसके बाद ऐसा लगा कि आज मुंबई इंडियंस हैदराबाद का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और लेकिन बीच में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन बाद में रोमियो सिफर्ट ने ऐसी कुटाई की, आखिरी ओवर में 32 रन बना दिए एनरिक नोकिया के खिलाफ और तोड़ दिया रिंकू सिंह का रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद दिल्ली के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और स्टब्स ने तो सांसें ही रोक दी थी। तो क्या हुआ था वानखेड़े के मैदान में, कैसे जीतते जीतते रह गई दिल्ली की टीम और कैसे जीती मुंबई, देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट पे। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस की टीम के लिए रोहित शर्मा और ईशांत किशन ने कमाल की पारियां खेली। पहला विकेट मुंबई इंडियंस का 80 रन पे गिरा जब रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित शर्मा ने इस पारी के दरमियान 49 रन बनाए जो मात्र 27 गेंदों में थे। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उसके बाद ईशान किशन ने पारी को संभाला, मात्र 23 गेंद में 42 रन बना दिए। बाद में आए हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 39 रन बनाए और आखिर में टिम डेविड ने 21 गेंद में 45 रन बनाए। वहीं रोमियो सिफर्ट ने 10 गेंद में 39 रन जिसमें से 4 छक्के और 3 चौके लगाए। रोमियो सिफर्ट ने आखिरी ओवर में तो 32 रन कूट दिए। एनरिक नोकिया का सबसे महंगा ओवर गया और आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे महंगा ओवर। इससे पहले दो बार ही ऐसा हुआ था जब आखिरी ओवर में 30 से ज्यादा रन बने थे। और इन्हीं सब पारियों के दम पे आज वानखेड़े में मुंबई इंडियंस ने अपना सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर, यानी पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 234 रन बनाए और जीत यहीं से लगने लगी थी। लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली के बल्लेबाजों ने वो कारनामा किया जिसे देखकर कह सकते हैं हार्दिक पांड्या हो या फिर नीता अंबानी, सबकी सांसें रुक गई। तो क्या हुआ था दिल्ली की पारी के दरमियान, देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट में। ओपनिंग के लिए आए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने शुरुआत थोड़ी धीमी की, लेकिन डेविड वार्नर तो आउट हो गए, लेकिन पृथ्वी शॉ ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। पृथ्वी शॉ ने मात्र 40 गेंदों में 66 रन बनाए जिस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। उसके बाद अभिषेक पोरेल ने उनका साथ दिया, उन्होंने 31 गेंद में 41 रन बनाए और 5 चौके जमाए। बाद में आए ट्रिस्टन स्टब्स ने मात्र 25 गेंद में 71 रन ठोक दिए और लगा कि मुकाबला जिता ही देंगे, लेकिन आखिरी ओवर में उन्हें मौके नहीं मिले और मौके नहीं मिलने की वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली मुकाबला हार गई। इस मुकाबले में ना डेविड वार्नर चले ना ही ऋषभ पंत जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। अक्षर पटेल भी कुछ शुरुआत में लय में दिखे, लेकिन बाद में उस पारी को बड़ी नहीं कर पाए और ना ही दिल्ली को जीत दिला पाए। इस पारी के दरमियान कई सारे बड़े रिकॉर्ड बने। पहला बड़ा रिकॉर्ड तो यह है कि बुमराह ने आईपीएल में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। बुमराह अब आईपीएल इतिहास के 150 से अधिक विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज बन गए हैं। दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो यह है रिंकू सिंह का रिकॉर्ड। रिंकू सिंह का रिकॉर्ड आज टूट गया है। आईपीएल में किसी मैच में आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के नाम है। जडेजा ने आईपीएल 2021 में आरसीबी के खिलाफ हर्षल पटेल के एक ओवर में 37 रन ठोके थे। रोमियो सिफर्ट ने दिल्ली के खिलाफ 32 रन ठोक कर रिंकू सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले साल एसडीएल के एक ओवर में 5 छक्के जड़े थे जिसमें 30 रन ठोके थे। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं इस हार का कसूरवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।